95 की राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से 4 दिसंबर से 7 दिसंबर दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ईपीएफओ हेडक्वार्टर के सामने 4 से 6 दिसंबर को 60 से 80 साल के वृद्ध लोग अनशन पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे, और जब 6 तारीख तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 7 तारीख का आंदोलन आत्माहुति का आंदोलन था। 4 तारीख को जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो 4 तारीख को ही सीबीटी की मीटिंग थी मंत्री जी के श्रम मंत्रालय के मंत्रालय में, और श्रम मंत्रालय के सामने सैकड़ों कामगार जो 60 से 80 साल के उम्र के औरतें आदमी सड़क पर लेट गए और नारे लगाए कि जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। 5 तारीख को ये सब देखते हुए श्रम मंत्री आदरणीय संतोष कुमार जी गंगवार ने हमें चर्चा के लिए बुलाया। चर्चा में उनके श्रम सचिव सामरिया जी थे और अनुराधा प्रसाद जी थे, और इन तीनों के सामने हमारी जो डेलीगेशन में चर्चा हुई, मेरे साथ संगठन के महासचिव वीरेंद्र सिंह जी थे और पीएन पाटिल जी सलाहकार हमारे थे। चर्चा में उन्होंने ये कहा कि हम दोनों मांगे आपकी जो 7,500 पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता और 31/5 का सर्कुलर कैंसिल करना, ये दोनों चीजें मैं तत्वतः मान्य करता हूँ और आज शाम को आके आपके सभा को मैं संबोधित करूंगा, लेकिन कुछ निजी कारणवश वो नहीं आ पाए, इसलिए कार्यक्रम 6 तारीख को भी जारी रहा और 7 तारीख को 6 तारीख को फिर ईपीएफओ को घेराव किया गया। ईपीएफओ के ऑफिस के सामने घेरा हुआ, ईपीएफओ के साथ चर्चा हुई, चर्चा में हमारा डेलीगेशन गया और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि मंत्री जी पर्सनली इसमें इंटरेस्टेड है और हम सब लोग सब मिलके रात दिन काम में लगे हैं और ये सिफारिश जल्दी से जल्दी भेजी जाएगी। हमने 15 तारीख तक उनको समय दिया है कि 15 तारीख तक हमारी सिफारिश मंत्री महोदय के ऑफिस से वित्त मंत्री के पास जाए और प्रधानमंत्री के पास जाए। यह आंदोलन का पहला चरण था। अभी अगर वहां मोर्चा भी निकाला गया, सीपीएफसी को घेराव किया गया, नारे लगाए गए, अर्धनग्न आंदोलन किया गया, लोगों की भावनाएं बहुत ज्वलित थी, प्रज्वलित थी, ज्वलंत थी, लेकिन सभी के कहने से, संत महात्माओं के कहने से, कुछ बड़े लोगों के कहने से हमने आंदोलन पीछे लिया, मंत्री जी के शब्द को हम प्रमाण मानते हुए। अगर हमारा आंदोलन यहां तक जो उन्होंने कहा वो नहीं हुआ तो आंदोलन फिर से भड़केगा और इस बार पीछे नहीं हटेंगे, लेके रहेंगे। यही हमारा कहना है कि हमारा सबका भला हो, सर्वेषां मंगलम भवतु हमारी संगठन का नारा है।